नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। आगामी लोकसभा चुनाव में अब 2 साल का समय भी नहीं बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अभी से अपने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। विपक्षी दल अब बीजेपी को हराने के लिए एक साथ खड़े होने की योजना बना रही है। वहीं बीजेपी भी मिशन मोड पर आ गई है। एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा में दमखम के साथ जनता से रूबरू हो रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी चुनावी मोड में जनता के बीच जाना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि 2024 का चुनाव में पूरे प्रचंड बहुमत के साथ झारखंड विधानसभा चुनाव और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा किए जा रहे भारत जोड़ो यात्रा के प्रति गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को राजनीति की क ख ग घ नहीं आती है, वे सिर्फ फोटो खिंचवाने के चलते सड़क पर उतरे हैं। आगामी जब चुनाव होगा लोकसभा में, तो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से कमल खिलेगा इस देश के अंदर और विकास की गंगोत्री पर। राहुल गांधी तो हाथ लेकर कुचलने को तैयार है। राहुल जी को राजनीति का काका गगा कुछ नहीं जानकारी है। चीन के बारे में बात करने वाले राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से सहयोग लिया था कि नहीं लिया था? नेहरू जी के जमाने में चीन भारत का बहुत बड़ा हिस्सा अपने देश में मिलाने का काम किया था कि नहीं? यही राहुल गांधी जेएनयू में जाकर के भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ समर्थन किया था कि नहीं? इसलिए रोड में, सड़क में पहली बार निकले हैं। क्यों? क्योंकि फोटो खिंचाने का शौक उनका भी बहुत तेजी से बढ़ा है। वही दीपक प्रकाश के दिए गए बयान पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने हमला बोल दिया है। बात औकात तक भी चली गई है। कहा गया कि दीपक प्रकाश की औकात ही क्या है, एक सांसद को इस तरह से बयान देना शोभा नहीं देता। दीपक प्रकाश जी माननीय सांसद हैं और भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। दीपक प्रकाश का औकात क्या है? वो जिस तरह की भाषा, जिस तरह की बात करना, नौटंकी जिस तरह की बात कह रहे हैं, वो अपना निकल के रातू रोड में निकल जाए ना, अपने पता चल जाएगा। इस तरह की चीज़ें मैंने कि बोलना मैंने सूरज को धूप दिखाने के जैसा होता है। तो उसको अपना औकात को और अपना ये को समझना चाहिए। वो क्या ये दीपक प्रकाश आपका जनाधार वाले नेता है? हम लोगों को नहीं पता है? कृपा में है तो बात करते हैं। अरे राहुल गांधी जैसे नेता, आप राहुल गांधी को जिस तरह से बात, आप एक सांसद मात्र हैं, ठीक है, चलिए माननीय सांसद है, लेकिन जिस तरह की बात आप कह रहे हैं, ये मैंने ये सांसद टाइप का ये बयान नहीं है, बयान नहीं है। चले ना रोज़ कम से कम यही चले, इसी पे 1000 किलोमीटर अपने चले तो गांव गाँव जावे कम से कम।